चलिए, तो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें हम रीजनिंग पढ़ेंगे, और रीजनिंग को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। 1 मंथ का टाइम लगाते हैं, यानी लगभग 30 डे। 30 डे के अंदर पूरी रीजनिंग को कंप्लीट करेंगे, जिसमें रीजनिंग में हमें 2 पोर्शन पढ़ने होते हैं, बार्बल रीजनिंग और नॉन बार्बल रीजनिंग। तो बार्बल रीजनिंग लगभग 25 डे में कंप्लीट करेंगे, और नॉन बार्बल रीजनिंग को लगभग 5 या 10 डेज, 5 से 10 डेज में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि नॉन बार्बल रीजनिंग बहुत इजी होती है और ये बार्बल रीजनिंग थोड़ी कंसेप्चुअल होती है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट आ जाते हैं। तो पूरे कंसेप्ट के साथ में अच्छे से हर एक टाइप को पढ़ते चलेंगे, और एक दिन इसके हम पूरे रूल्स पढ़ेंगे कि क्या क्या रूल होते हैं। और सेकेंड डे क्या करेंगे, सेकेंड डे इसके ऊपर लगभग 100 या 50 के करीब क्वेश्चन हम इसको पुट आउट कर लेंगे, जिससे जो नॉर्मल अगर कोई एग्जाम आएगा तो एग्जाम में हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर ले जाएंगे। 90% हम क्वेश्चन इसी वीडियो से करना सीख लेंगे कि किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो बार्बल रीजनिंग का सबसे जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एनालॉजी टेस्ट। तो आज का जो टॉपिक होगा, हमको एनालॉजी टेस्ट पढ़ना होगा। ये एनालॉजी टेस्ट पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं सादृश्यता परीक्षण। इसको कहते हैं सादृश्यता परीक्षण। तो इसमें कि क्या क्या टॉपिक होते हैं, क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, टोटल को पढ़ेंगे। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना कराए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अपने चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और देखिए, आज पढ़ते क्या, स्लाइड देख लो एक बार। ए पढ़ना, जिसमें हम क्या पढ़ना है, अल्फाबेट एनालॉजी टेस्ट पढ़ेंगे, नंबर एनालॉजी टेस्ट और वर्ड एनालॉजी टेस्ट। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ ओनली अल्फाबेट एनालॉजी टेस्ट, क्योंकि इसमें 10 टाइप होते हैं और 10ों टाइप को पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट टाइप हमारा अल्फाबेट एनालॉजी टेस्ट में अक्षरों की स्थिति के बढ़ते क्रम में, अक्षरों की कैसी स्थिति होती है उसके बढ़ते क्रम में। फिर जो अगला आएगा उसमें उदाहरण और ले लिए हमने। दूसरा टाइप होगा इसमें अक्षरों की स्थिति के घटते क्रम में, इसी टाइप से हमारे टाइप आते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, एनालॉजी टेस्ट पढ़ना है हमें, अभी भी कह रहा हूं वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेट मिलता है। तो देखो, एनालॉजी टेस्ट 3 टाइप का होता है। अब 3 टाइप कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है अल्फाबेट एनालॉजी टेस्ट। अल्फाबेट एनालॉजी टेस्ट में क्या है कि जो अल्फाबेट होते हैं, जैसे ए टू क्या होते हैं, ए टू जेड होते हैं, ए टू जेड, इनकी स्थिति होती है। जैसे ए आता है 1 पे, फिर बी कितने पे आएगा, 2 पे, सी कितने पे आएगा, 3 पे। इस तरीका से इनकी पता होनी चाहिए कि ये टिप पे होनी चाहिए कि कौन सा नंबर कहाँ पर आता है। तो इसको सबसे पहले इसको याद कर लेते हैं कि हमको कौन सा नंबर किस नंबर पे आता है। तो सबसे पहले इसको ही याद कर लेते हैं। देखो, अगर मैं बात करूँ ए की, तो ए से जेड ये बढ़ता क्रम है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, उसके बाद आई जे के एल आएगा, यहाँ पहले एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्लू एक्स वाई और जेड। ये हमारे अल्फाबेट सीरीज होती है, जो कि बढ़ते क्रम में होती है। अगर इनका मैं क्रम लिखूं तो ए कितने पर आता है, देखो ए 1 पर आता है, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4, ई आएगा 5 पे, ये डी कितने पे आएगा, डी 4 पे आएगा, तो इसे 4 लिखो, ये 4, एफ 6, जी 7, एच 8 पे, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, ये 13, एन 14, एन ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, बी 22, डब्लू 23, एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। ये हमको बिल्कुल टिप पे पता होना चाहिए कि, यानी जैसे ही हवा आए कि यू आए, तुरंत पता होना चाहिए कि 21 पे आता है। टी आ जाए, पता चलना चाहिए कि 20 पे आता है, एस 19 पे। तो इनको याद कर लेना, ये डायरेक्टली पता होना चाहिए। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि ए का विपरीत क्या होता है, जेड, बी का विपरीत होगा वाई, सी का विपरीत होता है एक्स, डी का होता है डब्लू, उसके बाद ई का होता है बी, एफ का यू, और जी का होता है टी,
एस जी के बाद में आता है एच, और एच का क्या हो जाएगा, एच का हो जाएगा एस, इसको इरेजर कर लेता हूँ। हाँ जी, एच का होता है एस, उसके बाद में आई, आई का होता है आर, उसके बाद जे, जे का होता है क्यू, उसके बाद के का होता है पी, और फिर एल, एल का होता है ओ, और एम का होता है एन। ये विपरीत क्रम भी पता होना चाहिए कि ए का विपरीत क्या होगा, बी का विपरीत क्या होगा, सी का विपरीत क्या होगा, डी का विपरीत क्या होगा, ये सब पता होना चाहिए। तो इस चीज़ को अगर एक दो बार तुम देखोगे तो ये सब पता चल जाएगा। तो आइए आप क्वेश्चन को फर्स्ट टाइप पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट टाइप में कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, फर्स्ट टाइप में आता है अक्षरों की स्थिति के बढ़ते क्रम। अगर अक्षरों की स्थिति बढ़ते क्रम में, जैसे कि ए एक पे आता है, सी दो पे आता है, तीन पे आता है, डी चार पे आता है, तो इस तरीका से बढ़ते हुए क्रम। तो आइए इस टाइप को देख लेते हैं। तो देखो यहाँ ये दे रखा है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को यहाँ ये है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में ये लिख लेना। तो ये देखो, ए बाई आर 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 जे सी, और इसके नीचे ये किस क्या कहा जाता है, इसको कैटल कहा जाता है, सी ए डबल टी एल ई। अब देखो, ए से सी हुआ प्लस के दो हुआ, बाई से ए हुआ, यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी प्लस के दो हो रहा है। अब आर से टी देखो, यहाँ भी देखो दो हो रहा है, और जे से 18 से टी हो रहा है, यहाँ भी प्लस के दो, 12 से 10 से 12 हो रहा है प्लस के दो, और सी से एफ यानी प्लस के दो, ये भी प्लस के दो हो रहे हैं। तो इस तरीका से प्लस दो बढ़ते जा रहा है। तो एन से 14 में दो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 16, 16 पे पी, 3 में दो जुड़ेगा 5, 5 पे ई, पी होता है 16 पे, 16 में दो जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 18, 18 का आर। तो इसी तरीका से बनाते हुए चले जाएंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन दे दिया इसमें, अब इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले क्या दे रखा है ये चीज देख लो। देखो यहां जो दे रखा है, ये दे रखा है ड्राइव, और ड्राइव को क्या कहा जाता है, ड्राइव को कहा जाता है ई टी एल जेड जे, ये कहा जाता है। इन्हें सबसे पहले इनके नंबर लिख लिया करो। डी कितने पे आता है, डी 4 पे, आर 18 पे, आर 9 पे, बी 22 पे, और ई 5 पे। तो देखो ये कितने पे, 5, 20, 12, 26, 10। अब 4 से ये कितना हुआ है, 5, कितना बड़ा, प्लस के 1। 18 से कितना हुआ है, 20, क्या बड़ा, प्लस के 2। 9 से 12 हुआ, प्लस के 3। 22 से 26 हुआ, प्लस के 4। और 5 से 10 हुआ, प्लस के 5। तो बढ़ोतरी कैसे कैसे हो रही है, प्लस के 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4 और प्लस के 5। अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तो अगले वाले जो ये नंबर है भी ये ही फॉलो होएगा। तो सबसे पहले बी में एक जुड़ेगा, तो बी से मैं एक जुड़ कर क्या हो जाएगा, देखो मैं इसे लिख लेता हूँ, मुझे बनाना क्या है, पी ई जी टू एम। तो इसमें देखो, इसमें एक, इसमें दो, इसमें तीन, इसमें चार और इसमें पांच, तो जोड़ लो। बी में एक जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, सी। ई में दो जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, जी। और जी में तीन जुड़ेगा तो जे। यू में चार जुड़ेगा तो बाई, और एम में पांच जुड़ेगा तो 18 यानी आर। ये हो गया सी जी जे बाई आर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये मेरा फर्स्ट टाइप हो गया। आइए पर अगले चलते हैं। अब जो कोई टाइप बी है, इसी में टाइप बी में क्या है कि अक्षरों की स्थिति के घटते क्रम। अगर अक्षर घट रहे हो तो उसकी स्थिति कैसे होगी। अब देखो इसमें उदाहरण दे रखा है, उदाहरण नंबर 3, इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा कि जब भी दे रखा हो नंबर, नंबर को उठाओ, बाई डब्लू यू एच, बाई कितने पे, 25 पे, डब्लू 23, यू 21 और ये 19, और इसको लिखा जाता है क्यू ओ एम के। ये देखो ये आता है 17 पे, ये 15 पे, ये 13 पे और ये 11 पे। 25 से 17 हुआ कितना कम हुआ, माइनस के 8। 23 से 15 हुआ कितना कम हुआ, माइनस के 8। 21 से 13 हुआ माइनस के 8। 19 से 11 माइनस के 8। तो माइनस के 8 कम कम होता जा रहा है, तो अगले वाले जो नंबर होगा इसमें भी कम होता चला जाएगा। तो जेड कितने पे आता है, जेड 26 पे आता है। एक्स कितने पे आता है, एक्स 24 पे आता है। बी कितने पे आता है, ये 22।
टी कितने पाता है? 20। सब में से आठ आठ कम करो, 26 में से आठ जाएगा तो कितना बचेगा? 18। 18, 24 में से आठ जाएंगे तो बचेगा 16, 22 में से आठ जाएंगे तो 14, 20 में से आठ जाएंगे तो 12। तो 18 पे आता है आर, 16 पे आता है पी, 14 पे आता है एन, 12 पे आता है एल। तो आर पी एन एल, आर पी एन एल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला टाइप पढ़ते हैं। अगला टाइप जो है वो है हमारा टाइप फाइव या सी, अक्षरों के बढ़ते व घटते दोनों के मिश्रण में होना। अब देखो इसमें घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो बढ़ने वाला था, फिर पढ़ा था घटने वाला। अब देखो दोनों स्थिति हो सकते हैं, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो सबसे पहले इसी चीज को लिख लो। यहाँ दे रखा है माउस, MOUSE माउस, और इसको लिखा जाता है KPSTC। तो ये 13 पे, ये 15, ये 21, 19 और 5। अब देखो ये 11, 16, 19, 20 और 4। अब 13 में 2 घटाया जाएगा तो कितना मिल गया? 11। 15 में से 1 जोड़ा जाएगा तो क्या मिल गया? 16। 21 से 2 घटाया गया तो माइनस के 2। फिर देखो यहाँ 19 में 1 जोड़ा गया प्लस के 1, तो क्या हो रहा है? माइनस के 2 प्लस के 1, माइनस के 2 प्लस के 1, माइनस के 2। इस तरीका से ये पैटर्न चल रहा है। तो देखो इसमें भी यही पैटर्न चलेगा। एल आता है 12 पे, आई आता है 9, जी 7, एच 8, टी 20। तो 12 में सबसे पहले 2 घटाना, तो क्या आएगा? 10, और 10 पे 10 आएगा, और उसके बाद 9 में 1 जोड़ा जाएगा तो ये भी आएगा 10। उसके बाद यहाँ 7, 7 में 2 घटाया जाएगा तो 5, 5 पे 5 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखो 8 में 1 जोड़ा जाएगा तो 1 जोड़ने पे हो जाएगा 9, और 9 पे 9 लिखो, आई आता है 9 पे। और यहाँ 20 है, 20 में से 2 घटाया जाएगा तो 18। अब लिख लो 10 को क्या लिखा जाता है? 10 को देखो जे आएगा, 10 की जगह क्या आएगा? जे। फिर 10, 10 है, फिर जे ई, फिर 9 है तो यानी आई, और 18 पे क्या आ जाएगा? आर। तो जे जे ई आई आर, जे जे ई आई आर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये टाइप सी हो गया। टाइप देखो, टाइप टी यानी टाइप फोर है हमारा, अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन के आधार पर। अब यहाँ अक्षरों के स्थानों में परिवर्तन होगा। ये परिवर्तन क्या होगा कि कोई फर्स्ट पे दे रखा हो तो लास्ट पे पहुंच जाएगा, कोई बीच में दे रखा हो तो एंड में पहुंच जाएगा। तो इस टाइप के पैटर्न बहुत आता है, ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब देखो इसी क्वेश्चन को देख लो। यहाँ लिखा हुआ ए आई ओ यू, और इसको पढ़ा जाता है यू ओ आई ई ए। तो देखो यहाँ फर्स्ट था ए, यहाँ लास्ट हो गया, सेकंड पे था, सेकंड लास्ट हो गया, आई बीच में है, तो एक दूसरे को बदल रहे हैं, एक दूसरे को बदल रहे हैं। तो ऐसे यहाँ करेंगे तो जब ये लिखा जाएगा आई जे के एल एम। तो देखो आई एंड में, फिर जे, फिर के, फिर एल और एम, ये नंबर हो जाएगा एम एल के जे आई, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया होगा। अगला टाइप पढ़ते हैं। अगले टाइप में, अगला इसी टाइप में हम एक और उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण और है, और उदाहरण दे रखा है कि भैया अगर पी जे सी आई को जे बी आई सी कहा जाता है तो बताइए सी एक्स डी डब्ल्यू को क्या कहा जाएगा। अब इसी पैटर्न को देख लो। देखो यहाँ लिखा हुआ बी जे सी आई, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है जे बी आई सी। अब देखो ये बी जे है, बी जे, ये बी को यहाँ ले लिया, जे को यहाँ ले लिया, सी को यहाँ, आई को यहाँ। तो इन्होंने दो दो के पैटर्न में ये चेंज करा है। तो अब इस नंबर के साथ भी ये करेंगे हम सी एक्स डी डब्ल्यू। तो इसको बदल लो, ये एक्स पहले पे आ जाएगा, सी बाद में, डब्ल्यू पहले, डी यहाँ। तो ये हो जाएगा एक्स सी डब्ल्यू डी, एक्स सी डब्ल्यू डी। तो ये भैया एक्स सी डब्ल्यू डी हो गया इसका आंसर। आगे चलते हैं। अब टाइप ई देखो, विपरीत अक्षरों के आधार पर, विपरीत अक्षरों के आधार पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये भी अच्छा टाइप है। तो इसमें कह रहा है कि बी जे ई के को, बी जी ई के को यदि बाई टी बी पी कहा जाता है तो ई एफ ई जे को क्या कहा जाएगा। तो अच्छा टाइप है। सबसे पहले मैंने बोला कि जब भी कोई क्वेश्चन आए तो पहले उसको लिख लो, बी जे ई के, ये लिख लिया, और इसके नीचे ही लिख लो बाई टी बी और पी, ये लिख लिया। अब देखो पी कितने पे आता है? ये 2 पे आएगा, ये 7 पे,
ये 5 पे और ये 11 पे। अब ये देखो, ये 25, 20, ये कितने पे? 22 पे। और ये कितना आएगा? 16 पे। अब इनको देखो, 27 से 25 हुआ, कितना कम हुआ? माइनस के 2। 7 से 20 हुआ, विपरीत, देखो विपरीत हो रहे हैं, ये विपरीत हो रहे हैं, ठीक है, वो पैटर्न नहीं चल रहा हमारा। या देखो, मैंने बोला कि जो ए होता है किसका विपरीत होता है? ए जेड का विपरीत होता है। बी किसका विपरीत होता है? बी वाई का होता है। सी सी एक्स का, डी डब्ल्यू का, ई बी का, एफ यू का, उसके बाद जी टी का, एच एस का, आई क्यू का। आई आई किसका हो जाएगा? जे जे हो गया हमारा एस का, यानी एच आई क्यू। उसके बाद में जे जो होगा वो किसका विपरीत होगा? यहाँ आर आएगा, क्यू नहीं आएगा, पहले आर आएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ आर 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 के क्यू आ जाएगा यहाँ पर। इस तरीका से विपरीत होते हैं। तो देखो, पी का विपरीत वाई मिल गया, जे का विपरीत टी मिल गया, ई का विपरीत बी मिल गया, के का विपरीत पी मिल गया, बिल्कुल विपरीत अक्षर हैं। तो अब कह रहा है ए एफ ई जे को क्या लिखा जाएगा? तो हमें पता है कि ए का विपरीत तो जेड होगा, ई का विपरीत बी होगा। ये भी यहाँ क्या है? ये देखो, ए एफ है, ये ई नहीं है, ये क्या है? ये एफ है, इसको एफ बना लो। तो एफ का जो विपरीत होता है वो यू होता है, ई का विपरीत बी हो जाएगा, जे का विपरीत क्यू हो जाएगा। तो जे यू बी क्यू, जे यू जेड यू, जेड यू बी क्यू, बी क्यू, ये ऑप्शन नंबर, ये बी है, ये वाला, समझ में आया? अगला टाइप पढ़ते हैं। अगले टाइप में टाइप ई तक हो गया हमारे कंप्लीट। अब ये देखो, इस क्वेश्चन को ले लो, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? यहाँ कह रहा है कि ए सी ई को यदि बी एक्स जेड कहा जाता है तो इसको क्या कहा जाएगा? तो देखो, ए सी ई और इसको कहा जाता है जेड एक्स बी। तो देखो, ए का विपरीत क्या होता है? जेड बी एक्स जेड कहा जाएगा इसको, बी एक्स जेड, इसको सीधा लिखो बी एक्स जेड, बी एक्स जेड। ए का विपरीत क्या होता है? जेड, जो कि एंड में ले रखा है। उसके बाद ई का विपरीत क्या होता है? बी, जो कि पहले रखा है, और सी का सेम टू सेम ले रखा है। तो इसी को भी इसी तरीका से करेंगे, एफ जेड जे, एफ एच जे। तो एफ का विपरीत क्या हो जाएगा? यू, यू आ गया। जे का विपरीत हो जाएगा के, और एच का विपरीत क्या होता है? एस, क्यू एस यू, क्यू एस यू, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे चलते हैं, टाइप हमारा चलेगा एफ, और एफ टाइप में जो दे रखा है, शब्दों के अक्षरों के आधार पर, शब्दों के अक्षरों के आधार पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जिसमें हमें पता होना चाहिए कि डायलेट को क्या कहेंगे। डायलेट होता है एक तरीका से चौड़ाना, मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक्सपेंड करना। कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको मतलब सिकोड़ना। तो ऐसी एनलार्ग होता है किसी चीज को बढ़ाना। तो एनलार्ग का विपरीत, एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। तो ये देखो, इसका विपरीत क्या होगा? एनलार्ग होता है चौड़ाना, और श्रिंक क्या होता है? श्रिंक मतलब उसको छोटा करना। एक्सपेंड माने भी देखो चौड़ाना होता है, ये तो होगा नहीं। वाइडन माने भी चौड़ाना होता है। क्रूशल मतलब एक तरीका से बारीक चूर्ण बना देना, और श्रिंक होगा उसे घटाना। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कौन से शब्द का क्या मतलब होता है। आगे चलते हैं, टाइप अक्षरों का मिश्रण। अब देखो, इसमें अक्षरों के मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। अक्षरों से मिश्रण, जैसे अब ये दे रखा है एफ का संबंध 2 से 16 से, तो एल का संबंध क्या होगा? तो भैया देखो, एफ जो आता है वो उस पता चले कि 6 पर आता है, और 6 का अगर क्यूब करेंगे तो क्या होता है? 2 से 16 होता है। ऐसे ही हमें पता है कि एल जो है वो 12 पर आएगा, तो 12 का जो क्यूब होगा वो याद हो जाना चाहिए 1728 होगा। कितना होगा? 1728। तो 1728 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे चलते हैं, इसी में एक और क्वेश्चन दे दिया कि रस्ट को 9687 रखा जाता है, TSUR को क्या कहा जाएगा? तो देखो, RUST इसको कहा जाता है 9687। तो पता होना चाहिए R कितने पर आता है? R 18 पर आता है। U कितने पर आता है? U को अगर देखें तो U 21 पर आएगा, S 19 पर आएगा, और T कितने पर आएगा? 20। अब देखो, 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। ये 9 यहाँ ले लिया। उसके बाद और देखो, और कर सकते हैं इसका कुछ, या देखो एक काम करो, R का विपरीत क्या होता है? 9। U का विपरीत क्या होता है? 6।
एस का विपरीत क्या होता है 8, टी का विपरीत क्या होता है 7। तो ये विपरीत ले रखे हैं, आर का विपरीत 9, तो टी का विपरीत क्या होगा 7, क्योंकि 7 से स्टार्टिंग हो रखी है। एस का विपरीत 8, तो 7 8 हो गया, ये देखो ये इसका विपरीत 7 हुआ, टी का विपरीत 7, एस का विपरीत 8, यू का विपरीत 6, और आर का विपरीत कितना हो जाएगा 18 और 9 27, 18 9 27 यानी 9, तो 7 8 6 9, 7 8 6 9, 7 8 6 9 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, समझ में आ गया होगा। अक्षरों के समूह के बीच संबद्धता, इसमें भी देखो क्वेश्चन बन जाते हैं कि इनके बीच क्या संबद्धता है, तो ऐसे क्वेश्चन में अब ये करेंगे तो देखो क्या करना है कि इसमें देखो 13 से क्या हो रहा है, ये आता है, देखो मैं इनके यहाँ ही कर लेता हूँ, ये देखो 13 पे आता है, एम कितने पे आता है 13 पे, ओ आता है 15 पे, ये आता है 17 और ये आता है 19, तो ये 2 पे, ये 3, ये 5 और ये 7, दो दो का गैप चल रहा है, दो दो का गैप अगर चल रहा है इसमें भी आगे दो दो का ही गैप होना चाहिए। देखो पी से 2, 18 तो 20 और 2 22, दो दो का गैप चल रहा है। अब देखो 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21 सही है, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, ये विपरीत गलत होगा क्योंकि यहाँ गैप कुल 1 का है। यहाँ देखो 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 10 और 2 12, ये 13 पे आता है इसलिए गैप प्लस का 3 हो गया, इसलिए गलत हुआ। यहाँ देखो 11 11 2 13, 13 2 15, ये 15 नहीं हो गए 14, इसलिए ये गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला टाइप, इसी में अगला टाइप है बी ए वाला, तो देखो यहाँ देखेंगे बी का विपरीत क्या होता है, बी का विपरीत बाई होता है, तो बी का विपरीत बाई होता है, तो यहाँ देखो एक काम करो इसे लिख लेते हैं पहले, ये बी ए डी सी, यहाँ रखा हुआ एक्स डब्लू बाई जेड, तो बी का विपरीत देखो बी से अगर 24 की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे कि यहाँ 27 माइनस 3, 27 माइनस क्या है 3 है, देखो 27 माइनस, देखो सी का विपरीत ये है, डी का विपरीत डब्ल्यू, ए का विपरीत क्या हो जाएगा जेड, और बी का विपरीत क्या हो जाएगा बाई, तो एक तरीका का विपरीत दे रखे हैं। मैं दोबारा समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को, देखो बी का विपरीत क्या है बाई, ए का विपरीत क्या है जेड, डी का विपरीत क्या है डब्ल्यू, और सी का विपरीत क्या है एक्स, तो यही पैटर्न लगा लो। अब देखो सबसे पहले जब बी का विपरीत निकालते हैं तो उसे लास्ट एंड फर्स्ट लिख लेते हैं, तो क्यू का विपरीत क्या हो जाएगा जे, तो जे आएगा लास्ट से फर्स्ट पे, तो ये अब उसके बाद में क्या आ जाएगा, ऐसे ही हमारा पैटर्न होते चला जाएगा, इस पैटर्न को देख लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लेंगे, ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है, क्वेश्चन को कर लेंगे। एक लास्ट टाइप बचा है, लास्ट टाइप में हमारा क्या है कि अक्षरों के वर्णमाला में स्थित क्रम होगा, अब ये वर्णमाला के स्थिति क्रम के आधार पर क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो यहाँ दे रखा है डी ओ जी, डी ओ जी को चैट कहा जाता है, तो डी कितने पे आता है 4 पे, ओ कितने पे आता है 15 पे, और जी कितने पे आता है 7 पे, ये कितना पे आएगा 7 पे, तो इन सबको जोड़ो 15 4 19 और 7 कितना हो जाएगा 26, और 26 पे क्या आता है जेड आता है जो कि सही है। ऐसे ही यहाँ कर लेंगे कैट को सी ए टी कैट, तो ये 3 प्लस के 1 और प्लस के 20, 20 और 1 21 21 और 3 24, और 24 पे क्या आता है एक्स आता है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो ये आज हमारा इस टाइप में हो गया जिसमें हमने एनालॉजी से फर्स्ट टाइप पढ़ा था, कल हम सेकंड जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें टाइप थर्ड सेकंड और थर्ड को दोनों कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपना कीमती कमेंट जरूर दे देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि वीडियो कैसी है, मुझे अपना सुधार कहाँ करना है। तो आज के लिए बस यहीं रखते हैं, जय हिंद साथियों, मेरे साथ बने रहिए।